नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी, दी न्यूज़पेपर से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की चुनावी कवरेज हमारी पहुंच चुकी है देवरिया में, और देवरिया के सुभाष चौक पर हम लोग हैं, और यहां जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके का माहौल है 2022 में। क्या योगी आदित्यनाथ जी फिर से सत्ता में काबिज होंगे, या फिर अखिलेश यादव की वापसी हो रही है, प्रियंका गांधी का क्या मेहनत काम आ जाएगा, ओवैसी राजभर का गठबंधन कहाँ तक है? आपको क्या लगता है सर, 2022 विधानसभा चुनाव में आप क्या देखते हैं, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की सरकार आएगी, कभी भी बीजेपी की सरकार आएगी, आके रहेगी, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। कहाँ है भैया? नहीं, बीजेपी यादव को नहीं आएगी। कहाँ है? नहीं, अखिलेश यादव नहीं आएगी, वो भगवान है, हम उनको पूछते हैं। योगी जी को? हाँ, हम रामगुलाम टोले के रहने वाले हैं, रामगुलाम टोले के निवासी हैं, उनसे हमको यही रिक्वेस्ट है कि हमको नौकरी दिला दें सरकार, ये सफाई कर्मी हमको नौकरी दिला दें। काहे के लिए उनको हम पूछते हैं, वो मेरे मोहल्ले के निवासी हैं। योगी जी को आप पूछते हैं? हाँ, हमेशा पूछते रहे, आप पूछेंगे या कभी पूछते रहेंगे, मरते दम तक पूछेंगे हम। आप एक सफाई कर्मी हैं क्या? नहीं, सफाई कर्मी नहीं है हम, भोरा ढो के कमाते हैं, मजबूरी है, लेकिन उन्हीं को हम चाहेंगे कभी भी। योगी जी से क्या आपको मिला जो योगी जी के आप इतने बड़े प्रशंसक हो गए हैं? बहुत कुछ मिला, इतना हमको राशन मिला, हर चीज़ मिल ही रहा है, 3 बार राशन हमको मिल रहा है कोटे पर, अभी कल झोला मिला है, अब क्या चाहिए हमको, अब ये बताइए। लोग कह रहे हैं कि कोरोना में गरीब प्रताड़ित हो गए, योगी ने कुछ नहीं किया। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कौन कह रहा है? कुछ नहीं हुआ, जितना वो सहयोग किए ना, कोई नहीं कर पाएगा, कोई सरकार नहीं कर पाएगा, हम खुल के कहते हैं कोई सरकार नहीं कर पाएगा। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 22 में एकदम योगी जी को हटा देंगे। कोई उसका माई का लाल नहीं है कि हटा पाएगा, अभी हम हमसे कुछ मत खुला, नहीं तो गाली वाली भी दे देंगे हम। नहीं नहीं, आप बात बोलिए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप बात बोलिए, क्यों नहीं? हमको जितना मिलता है ना, जितना योगी सरकार हम लोग को मदद किए हैं, इतना योजना बना दिए, घर बन गया, क्या क्या बन गया, कौन सरकार किया इतना, ये बताइए। हमारा आवास बना है, आवास मिला है, आप मेरे आवास में चलिए, चलिए मेरा आवास देखिए, रात में टीवी पर कुछ रख दे, घड़ी रख दे तो घड़ी गिर जाता है, इतना तेज हिलता है, वो मिला है रहने के लिए कि गिरने के लिए मिला है? कितने पब्लिक उसमें मर जाएंगे साले, आखिर वो जियेंगे कि मरेंगे? आखिर किस लिए आवास मेरा मिला है? भला कर 36/7 है मेरा, भीम वर्मा मेरा नाम है। तो पहले मिला था कि अभी मिला है? नहीं, पहले का मिला है मेरा। अच्छा, मतलब अभी जो चीज़ें मिल रही है वो बढ़िया मिल रही है, पहले खराब थी? अब चीज़ टोटल अच्छी चीज़ मिल रही है, कोई भी मिल रही है, लेट से मिल रही है, लेकिन अच्छी चीज़ मिल रही है। देर से मिल रही है, अच्छी मिल रही है, अच्छी चीज़। लेकिन इन सब सुविधाओं, गरीबों को सुविधाएं मिल रही है, इतना सुविधा दिया जा रहा, फिर भी विपक्ष के लोग क्यों कह रहे हैं कि योगी अच्छा नहीं है? तो लोगों को अच्छाई जो आती है ना, तो लोगों को देखने में नहीं समझ में आता है, अच्छाई जो चीज़ है ना, वो धीरे धीरे आती है। मीठा फल एक बार होता है, ये भी जान जाइए, मीठा फल ना एक बार होता है, और ख़राब चीज़ बार बार निकलता रहता है, लोग सोचते हैं वो अच्छा है, चलो हई मिल गए, लहू मिल गए, लहू मिल गए, बड़ा चीज़ मिल गया, लेकिन कुछ ना मिलेगा, कुछ ना मिलेगा ना, ये हकीकत बात है। तो योगी जी एक बार वापसी मतलब फिर से आओ उतरें? आएंगे, हकीकत है, आएंगे, बिल्कुल है, हमारे भोलेनाथ का, भोलेनाथ बाबा है बाबा, हमेशा आए, अब हमेशा रहे, उनको हम दिल में बसा कर रखते हैं, दिल में बसा कर रखते हैं। चाचा, आपको क्या लगता है किसका सरकार आ रहा है? मोदी सरकार है, माटी तेल महंगाई कर देती है, हमारे दादी बाबा चीनी नहीं देती है, कम देती है, नेतकारी के लेके जाती है तब मारती है। झोला सरकार बना रहे, किसका सरकार बना रहे हैं? मोदी सरकार का बनाऊंगा, मोदी का बनाएंगे? हाँ, जो भी मोदी है, हमें दवा कराया, बमे आश्रम में सेवा करवाया, नेतकारी से कहा रेमान चुत कपड़ा फरो, ये हमारे बेटा है, थाने में बंद हो गया, जिस लेल मंत्री काय मारा, आधार कार्ड नहीं रहे, पेंशन कार्ड नहीं रहे। अच्छा, आधार कार्ड नहीं था, राशन कार्ड नहीं था, इनके कई कार्ड नहीं थे, इनके स्वास्थ्य कार्ड इनका बना, और योगी जी ने और मोदी जी ने इनका स्वास्थ्य का बनाया, और ये गरीब आदमी कह रहे हैं कि ये योगी और मोदी को वोट देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ओवैसी का स्वागत कैसे करने वाली है? कोई नहीं, कोई स्वागत करने वाली नहीं है ओवैसी की, उत्तर प्रदेश जनता किसी की स्वागत नहीं करने वाली है, बस योगी की स्वागत करने वाली है, मोदी की स्वागत करने वाली है, बाकी किसी की कोई स्वागत करने वाली नहीं। ओवैसी जी की एंट्री उत्तर प्रदेश में कैसे देख रहे हैं? क्या एंट्री देखना है, उसको जूते और चप्पलों से माला पहना के यहाँ से भेजा जाएगा, बुरी तरह से हार दिया जाएगा उनको। इस बार हम लोग 300 से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, लेकिन ओवैसी जी कितना पाएंगे, 20% मुस्लिम आबादी? नहीं पाएंगे, एक भी नहीं पाएंगे, यहाँ पे मुसलमानों की जो संख्या है वहाँ किसी को नहीं टिकने देंगे, सब योगी आएंगे, योगी ही आएंगे यहाँ पे, और कोई नहीं आएगा। मतलब मुस्लिम भी योगी योगी? हाँ, योगी योगी कर रहे हैं मुस्लिम भी, और कोई नहीं आएगा यहाँ पे, और कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा। अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, इन लोगों को कहा? कहीं नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, विरोधियों को काम है बस उल्टा सीधा करना, आएंगे बस योगी जी आएंगे, और कोई नहीं आएगा। आप राम मंदिर का मुद्दा उठा लीजिए, राम मंदिर में पहले कहते थे
विरोधी कहते थे कि अगर राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहेंगे, भैया एक मच्छर भी नहीं मारा गया, योगी जी ने एक मच्छर भी नहीं मारने दिया और राम मंदिर का शिलान्यास कराया, और यही राम मंदिर का मुद्दा ही हमें 300 से ऊपर ले जाएगा सीट। राम मंदिर मतलब राम मंदिर मुद्दा रहेगा चुनाव? रहेगा, एकदम रहेगा, राम मंदिर मुद्दा रहेगा। एक भी ऐसा नहीं है जो हम लोग के विरोधी जितना ही चिल्लाएंगे ना और अगर बात करेंगे कोई दिक्कत नहीं हो उससे, इस बार हम लोग 300 से ऊपर जाएंगे। कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आया, तीन तलाक कानून आया, जो भी कानून आ रहा है लोग कहते रहे कि हिंदू तो थोपा दे रहा है। नहीं नहीं, सब स्वीकार कर रहे हैं, जो कोई भी कानून ऐसा आ रहा है जो ऐसा कोई कहे कि हाँ ये कानून हमें स्वीकार नहीं है, सब कोई उसका स्वीकार कर रहा है। इस्लाम खतरे में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, कहीं कुछ नहीं खतरे में आ रहा है, नहीं आ रहा है। जिस मुसलमान महिलाओं का मतलब 10 बच्चे 20 12 बच्चे का जो था उस पर जनसंख्या नियंत्रण लगने के बाद महिलाएं, जितनी मुसलमान महिलाएं सब बहुत खुश हैं कि बस 2 ही हैं, बहुत हैं, इससे आगे नहीं चाहिए। लेकिन विपक्ष रहे या फिर मौलाना रहे चाहे मौलवी रहे, इनको हम 2 बच्चों से क्या दिक्कत है? 2 बच्चे नहीं, देखिए जनसंख्या नियंत्रण का ये बहुत ही बड़ा, इस टाइम जो लॉकडाउन और ये जो कोरोना का काल चला है उसमें जनसंख्या नियंत्रण का बहुत ही जरूरत है, अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा इस समय डिस्टर्ब चल रही है। अच्छा अच्छा, आपको क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव में किसको देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष? विपक्ष में कांग्रेस रहे बस, दूसरा कोई पार्टी नहीं है। क्षेत्रीय जलवल बेकार है, चुनाव कराते हैं केवल। अच्छा, अखिलेश यादव? अखिलेश यादव फिर भी अन्य दलों से भी ठीक है। अच्छा, तो 2022 में किसको देख रहे हैं? हम तो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। और अखिलेश यादव को क्यों नहीं? इसलिए नहीं देख रहे हैं कि भाई देख ही रहे हैं, अभी 5 साल वो रहेंगे, 5 साल ये रहेंगे, 4 साल वो रहेंगे, तमाम तरह के कोई दंगे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, ना ही कहीं टिफिन बम भड़का, ना ही कोई कचहरी में लड़का, ना ही रेलवे स्टेशन पर, ना ही किसी चौराहे पे, तो कम से कम यह व्यवस्था सुदृढ़ है, कानून व्यवस्था सही है, बिल्कुल सही है, योगी जी जिंदाबाद हैं। लेकिन कह रहे हैं विपक्ष कह रहा है कि जितना गुंडागर्दी अपराध पहले नहीं था उससे ज्यादा योगी के सरकार में हो रहा है। जी नहीं, गलत है। हाँ। आप उठा के देखिए, सारी व्यवस्थाएं सही है। हाँ। सारी व्यवस्थाएं सही है, इस समय सारी व्यवस्था सही। एक और चीज बताइएगा, क्या आपको लगता, आप खुद बताइए कि पिछले के सरकारों में गुंडागर्दी पहले था या फिर अभी? बहुत ही ज्यादा पिछलों की सरकार में बहुत ज्यादा गुंडे थे, इस बार तो कहीं जितने भी हमारे विरोधी नेता थे वो गुंडा ही थे, विरोधी जितने भी आप सपा के किसी नेता को ले लिए सब गुंडे थे, सबकी जब्ती हो रही है, इसीलिए डर रहे क्या प्रॉपर्टी वाले नियम से? हाँ सब डर रहे हैं। लगता है 2022 विधानसभा चुनाव में किस 2022 में योगी जी 350 से ऊपर सीट लेके आएंगे? सुन लीजिए, विपक्ष क्यों नहीं बोलेगा, सारे लोग लाली पॉप किन किन के कलर वाइज लेके चले हैं, आ गुंडाई किसके सरकार में नहीं होती है? आ सुनिए, गुंडा कम नहीं चिल्लाएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, जब गुंडागर्दी करेगा, आतताई करेगा, लोगों को सताएगा, वो मारा जाएगा, चाहे स्वयं मैं ही क्यों ना हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? जैसे विकास दुबे की बात आती है, गौर करिए तो विकास दुबे आतताई था तो मारा नहीं जाएगा, चाहे किसी भी कास्ट का हो। विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो जा रहा है? तो दर्द इसलिए हो रहा है, देखिए भाई, जब सुनिए, जब हम मान लीजिए कि 20-25 चीज खाएंगे पेट में तो पेट गड़ेगा, और जब 1 से 2 चीज खाएंगे, बढ़िया से खाएंगे, पानी देंगे तो पचेगा, तो जब सारा चीज आप लेना चाहते हैं तो पेट नहीं गड़ेगा, दर्द नहीं होगा। दर्द इसलिए है कि अभी चुनाव होगा, योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, वो फिर दवा बेलरगन खा करके फिर सो जाएंगे, बेलरगन खा के सो जाएंगे। आपको क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव में किसको देख रहे हैं, योगी, अखिलेश, मायावती, किसको? 2022 में हम लोग तो अखिलेश जी के देखें, अखिलेश जी आएंगे, साइकिल आएंगे, काहे साइकिल 22 में, काहे से कि दू वाली मान लीजिए कि ये लोग आए हैं, पूरा देश को लूट रहे हैं, रेलवे बेच दिए हैं, ये सरकारी जितने भी लोग सरकारी सब प्राइवेट हो रहा है, तो योगी और मोदी क्या करेंगे, पूरा देश को लूट रहे हैं, देश को लूट रहे के नाम पर देकर पूरा लूट रहे हैं, हम लोग बाहर 14,000-15,000 कमा रहे हैं, और ट्रेन में हो गया है भाड़ा 2,000-3,000, कौन गरीब देकर जाएगा बाहर कमाने के लिए? देवरिया में हम लोग काम कर रहे हैं 200 पर 300 पर, पूरा बेच दिए पूरा सरकार। इनका कहना ठीक है, यही लोग तो मिल करके अखिलेश यादव को ले लिए, उनके सारे कार्यकर्ता ही मिल करके अखिलेश यादव को ले लिए, क्योंकि ये लोग स्वयं समझते हैं किसी भी चौराहे पे, किसी भी रोड पे, जब वो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते हैं, लोग खुद समझते हैं कि मैं ही अखिलेश यादव, इसीलिए अखिलेश यादव चले गए। अभी समय ही बताइए, परशुराम जी की मूर्ति बनवाने के लिए कह रहे हैं ब्राह्मणों को, माता प्रसाद पांडे उनके मुख्य सलाहकार हैं, क्या उनको नहीं पता था कितने ब्राह्मणों को क्षति हुआ? अखिलेश यादव खुद बोले थे मन से कि ब्राह्मणों का कोई मदद नहीं होगा, तो जब ब्राह्मणों का कोई मदद नहीं होगा, तो आज आए हैं आप
लॉलीपॉप देने के लिए तो ब्राह्मण इतना बुर्बक है। इतिहास गवाह है कि सर्वदा जब राजा रहा तो मैं उसका मंत्री रहा हूँ और मंत्री पद से कोई नहीं हटा पाएगा, चाहे किसी की भी सरकार बने उससे नहीं मतलब है। और ब्राह्मण को आप कितना हूँ प्रलोभन दीजिए, आप ब्राह्मण का वोट नहीं पाएंगे। लेकिन अभी आपने देखा कि यहीं बसपा ने ब्राह्मण महासम्मेलन किया, यहीं आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी बोल रहे हैं परशुराम जी की मूर्ति बनाएंगे। क्या वजह है कि अब जो राजनीतिक धारा जो है वो मुस्लिम से टूटकर ब्राह्मण पर आ गई? ये लोग 2022 की सरकार बनाने के लिए परशुराम जी के नाम ले रहे हैं, 2022 के बाद ये परशुराम जी को लाश से मारने वाले हैं। हम तो सारे ब्राह्मण भाइयों से कहेंगे ठीक है, ये कुछ नहीं करेंगे, ये लालीपाप दिखा रहे हैं, जब इनको कुर्सी बैठा देंगे तो सबसे पहले आप ही को जेल घर में पहुंचाएंगे। हमारा कहना है कितना सीट ला रहे हैं आप लोग, कितना सीट? हम लोग 300 से ऊपर, और पूरा जात दे या न दे, लेकिन हम लोग मियाँ और यादव ये दो जात मिलकर अखिलेश यादव को रेल देंगे, पूरा 300 दो ही जात लेके ये रेल देंगे। तो इसीलिए लोग गए, जब ये लोग जात की बात कर रहे हैं, हमारी बात सुनिए सर भाई, आप लोग सब लोग ध्यान सुनिए, जब ये लोग जात की बात कर रहे हैं, सुनिए, जब ये जात की बात करेंगे तो ये चले जाएंगे। पूछिए क्यों, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, गौर करिएगा। आ सुन लीजिए, दम दमा में दम नहीं तो खैर मान लो जान की, और तक सिलंदन तक लड़ेगी ये फौज भाजपा सरकार की, और क्या। आपको क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव में आप क्या देखते हैं? ये तो सर पूरी जनता से जाके पूछिए, गाँव में जाके पूछिए, दीपावली तक मुफ्त भोजन, जिस कोरोना में आप दूरी बना के बैठे थे उस कोरोना में RSS और भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाके आपका सहयोग कर रहे थे, और सरकार की जितनी भी नीतियाँ थी सबका साथ और सबका विकास की बात, वहाँ ना कोई मुसलमान देखा, ना यादव देखा, ना अर्जुन देखा, वह सबकी जो भी उस लाइन में थे सबका विकास हुआ है। और यह गांव की जनता तय कर देगी कि क्यों कौन कहाँ सीट ला रहा है, जो अनपढ़ गंवार हैं वो भी मोदी मोदी योगी योगी चिल्ला रहे हैं। अनपढ़ गंवार भी योगी बोल रहे हैं कि सबको भोजन मिला, सबको राशन मिला है गाँव में गाँव। अरे गाँव गाँव राशन मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन कितना भूखमरी है दे, पूरा देश में लिया दिए हैं मान लीजिए। और ये शहर में लोग योगी मोदी कहेंगे, गाँव में हम लोग रहते हैं, हम लोग जानते हैं कि अखिलेश अखिलेश सब लोग मुलायम मुलायम चिल्ला रहे हैं कि गाँव में अखिलेश अखिलेश और मुलायम मुलायम। बिल्कुल कहना इनका ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि जैसे जगह जगह पे दलाली नहीं हो पा रही है, पसीना गिराने पर भी अब कम मिल रहा है, गौर करिए, स्वेच्छा से मिल जाता था दो पक्ष लड़ा करके ले लेते थे, क्योंकि हम ही स्वयं अखिलेश यादव, मैं ही मुख्यमंत्री हूँ। सुनिए सीधी सी बात जान जाइए, एक हवा ऐसी बही दुश्मन जमाना हो गया, और दोस्तों ने दी गवाही तो जेल खाना हो गया। हम सारे लोग योगी जी के साथ हैं, और योगी जी को बनाने वाला अगला कोई थोड़ी ना है, हम पब्लिक हैं, हम जनता हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी में अभी मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, हमको जात बिरादरी से नहीं मतलब है। अभी हमने आपसे कहा कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, हमारे जितने भी नेता हैं सारे लोग यही कहते हैं कि हम कोई बंटवारा नहीं है, हम सारे लोग एक हैं। क्या जनधन योजना दिए तो करीब बीजेपी में ब्राह्मण क्षत्रियों को मिला है, सारे लोग को मिला है, सब बिरादरी को मिला है। अभी आपका किसान योजना है, सारे बिरादरी को मिला है, राशन मिला है, हम लोग नहीं मिले, सारे बिरादरी को मिला है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम भूखे मर रहे हैं? अरे भूखे कैसे मर रहे हैं, आप जी गए, कोरोना काल में बीजेपी ने जिला दिया, अगर अखिलेश यादव रहे होते तो 50% लोग मर गए होते, अखिलेश यादव रहते तो आधा लोग मर जाते। अरे सब झूठ है, कोई किस कोई नहीं मरता, ये खुद मुंगा रहे हैं, ये शनिचर का आतवार का लॉकडाउन कर दे रहे हैं, पूरा हफ्ता ये चालू रहता है, उसमें कोरोना ही हो रहा है, या हो रहा है चुनाव हो रहा है वहाँ पर भीड़ लग रहा है, वहाँ पर कोरोना नहीं हो रहा है, बस ये चौराहे बंद रहेगा तो कोरोना चालू रहेगा। कह रहे हैं कि कोरोना में मतलब चौराहे बंद रहेगा और ये दो दिन का बंद करके मुंगा रहे हैं, चुनाव करा रहे हैं। बिल्कुल इनका कहना ठीक है, सुन लीजिए, ये सावन महीना चल रहा है, जैसे सावन महीना में तुलसी बाबा भी लिखे हैं कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, गोरखनाथ बाबा का हाथ है हमारे योगी जी पा, गौर करिए। आ कुल मिला जुला के एक चीज़ जान जाइए कि यहाँ किसी से आपसी विवाद नहीं है, हम सब लोग ठीक हैं, सारे बिरादरी के लोग चिल्ला रहे हैं मोदी योगी, तो हम कहाँ से इसमें पक्तिभेद लगा रहे हैं? पक्तिभेद तो आप लगा रहे हैं, अभी आपने कहा ना कि हम मुस्लिम और यादव मिल के रेल देंगे, जैसे लग रहा है कि ठेला गाड़ी चला रहे हैं ढकेल देंगे पार हो जाएगा, ये ठेला गाड़ी थोड़ी ना है। अरे भाई आप पढ़े लिखे हैं तो अपना पूरी बायोडाटा खोल करके चेक करिए, अगर हिंदुस्तान से हैं बहुत बुर्बक हैं तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से आप पढ़वाइए कि योगी मोदी ने क्या किया, क्या क्या योजना चलाया है। आप पढ़े लिखे होंगे तो आप समझदार होंगे तो जान जाएंगे, और नहीं निपटे अगर अंगूठा छाप होंगे तो आप तो चिल्लाइबे करेंगे कि हम रेल देंगे। चलिए तो हम चिल्लाइबे करेंगे कि रेल देंगे, जिस तरीके से जनता ने बताया और देवरिया की जनता बता रही है कि
गांव की जनता, शहर की जनता, अभी सभी के जुबान पर योगी योगी नाम है। इस बीच कई समर्थक भी है, कांग्रेस के भी समर्थक है और अखिलेश यादव के भी समर्थक है। उनका भी कहना है कि प्रियंका और अखिलेश की बातें हैं। अब जन की बातें क्या है, जनता की बातें क्या है, वो तो उनकी उंगलियां तय करेगी, ईवीएम पर वही दबेगी। अब हाँ, ये अलग बात है कि ईवीएम पर सवाल उठ जाएगा कि कौन जीतता है क्या जीतता है। बहरहाल रिपोर्टिंग हमारी किसी और जिले किसी और कस्बे से होगी, तब तक जुड़े रहिए, बने रहिए दी न्यूज़ पेपर से। मैं अंकित द्विवेदी, जय हिंद।